अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत है? ओके, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये क्रेन तो अभी जैक के ऊपर थी, पार्किंग में थी। अभी हम इसे पार्किंग से मैं निकालूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सस्पेंशन आपने कैसे अप करनी है और इसका जो सस्पेंशन का लॉक है आपने कैसे निकालना है। ठीक है, आपको मैं दोनों चीज़ें बताऊँगा, सस्पेंशन डाउन कैसे करनी और सस्पेंशन अप कैसे करनी। ये आप देख रहे हैं, अभी सबसे पहले मैं इसके जैक जो हैं, ये जो ज़मीन के साथ लगे हुए हैं, देखें आउटरिगर जैक, इन्हें उठाना है। ये देखें टायर के ऊपर से वेट ख़त्म हो गया है, जैक के ऊपर है वेट, क्योंकि हम लोग जब सस्पेंशन को डाउन करते हैं और उसकी सस्पेंशन लॉक लगा देते हैं तो फिर उसके बाद जो जैक लगाते हैं तो ये टायरों के ऊपर से वेट ख़त्म हो जाता है और जैक के ऊपर आ जाता है, जो जो आउटरिगर जैक आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें आगे भी हैं और दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह ही है। अब इसी साइड से मैं ये चारों जैक जो हैं वो उठा सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। ये देखें ओके, वन बाई वन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें स्लो में उठाएँगे, नजर आ रहा होगा, ये देखें एक जैक उठता है, ये अभी ये रियर आउटरिगर जो लेफ्ट साइड का है वो भी उठ गया। इसी तरह दूसरी साइड से भी यहाँ से ही मैं कर सकता हूँ, ये देखें ये दूसरी साइड, ये राइट रियर राइट साइड का जैक जो है बैक साइड। ओके, एक राउंड मार के हम लोग चेक कर लेते हैं कि चारों जैकों की आपने मेक श्योर करना है। सबसे पहले तो आपने सुबह आके इसका ऑयल, इंजन ऑयल और रेडिएटर वाटर लेवल जो है वो सब चेक करने, और आपने साथ में चेक करना है कि कोई होस वगैरह, कोई लीकिंग वगैरह तो नहीं है क्रेन के अंदर, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप अपने मैकेनिक के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको ठीक करवा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, ये चेक उठ चुके हैं। ओके, ये भी उठ गए जी, और वो आगे वाला। अब ये देखिए जैक बहुत नीचे है ना, उठने के बावजूद, क्योंकि ये सस्पेंशन इसकी डाउन है। अभी मैं अंदर के आपको सस्पेंशन दिखाता हूँ कैसे आप करनी है। जी, ये मैं अंदर आ चुका हूँ, ये आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा। यस, अब सबसे पहले आपने ये देख रहे हैं F5 के ऊपर आपने इस बटन को दबा देना है। ठीक है, आपका ये डिस्प्ले आ गया। अब आपने F8 को यूज़ करना है। ये देख रहे हैं आप, ग्रीन हो गया, इसका मतलब है कि आपकी सस्पेंशन लॉक जो है वो निकल चुका है, अब वो अनलॉक है ये ग्रीन में। और ये जो आप इसी बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपका रेड हो गया, मतलब सस्पेंशन लॉक लग चुका है, आपने इसको रिलीज़ करना है। ओके, ये ग्रीन हो गया, आपने सस्पेंशन उठानी है, ड्राइविंग मोड में लेके आना है इसको। तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है F4, ये F4 है, वहाँ पे देखें ये ट्रक बना हुआ है, तो ये लेवल आपका बराबर हो जाएगा। अभी इसको मैंने प्रेस किया, साथ में हल्का मीडियम से एक्सीलेटर दे दें तो आपकी क्रेन, मैं आपको बाहर भी जाके दिखाऊंगा कि आपकी क्रेन लेवल में होगी, आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको सस्पेंशन डाउन करने का भी तरीका बताऊंगा। ठीक है जी, ये होगी जी आपकी क्रेन, ये देखिए लेवल अंदर नज़र आ रहा है आपको, ये जो ब्लिंकिंग कर रहे हैं रेड है, अब ये आपका लेवल बिल्कुल हो गया, राइट हो गया, तो ये देखिए बिल्कुल लेवल में, अब ये रेड पे चला गया, मतलब सेंटर में आपका लेवल बिल्कुल ठीक है। एनीवेज, मैं आपको फिर भी बाहर से दिखाता हूँ, आप थोड़ा देखें। ये देख रहे हैं आप, अभी आप जैक देखें ज़मीन से काफ़ी उठ चुके हैं, टायरों के ऊपर वेट आ चुका है। ठीक है, सस्पेंशन आपकी बिल्कुल ड्राइविंग मोड में आ चुकी है।
ये देखें आप टायरों के ऊपर वेट है, इससे पहले आपने जैक के ऊपर किया था जब सस्पेंशन डाउन की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सस्पेंशन को डाउन कैसे करना। ओके, ये जो आपको F5 नज़र आ रहा है इसको आपने एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखिए आपका F9 आपको नज़र आ रहा है। अगर आपने कुछ सेकंड के अंदर ये दोबारा हो जाता है, अगर आपने उस बटन को प्रेस नहीं किया तो ये नॉर्मल मोड में चला जाएगा। तो आपने फिर दोबारा F5 को दबाना है और ये आपका F9 है। ये देख रहे हैं ये आपकी सस्पेंशन डाउन हो रही है। आप ऊपर देखें सेंटर में, अब ये आपको दिखा रहा है ये आपकी सस्पेंशन बिल्कुल डाउन हो चुकी है, ठीक है जी। आपने देख लिया आपकी सस्पेंशन डाउन हो चुकी है। आपने ऐसे सबसे पहले आपने जब क्रेन को सेट करना है जैक आउटरिगर निकाल के, ठीक है, बाहर से, फिर अंदर आके आपने सस्पेंशन डाउन करके और उसका ये लॉक निकालना है। फिर उसके बाद आपने आउटरिगर जैक जो है वो ज़मीन के साथ लगाने हैं। और उनको आप जैक भी बोलते हैं, आउटरिगर जैक भी बोलते हैं। आउटरिगर पहले आपने निकालने हैं, फिर उसके बाद आउट ये अंदर आके सस्पेंशन डाउन करके आपने सस्पेंशन लॉक लगा के उसके बाद आपने लेवल करना है बाहर से क्रेन को, ठीक है जी। आपने ये काम करना है और आउटरिगर जो जैक लगाएंगे आप उसके नीचे आपने वुडन पैड वो ज़रूरी लगाने हैं, वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको समझ आ गई होगी ये सारी चीज़। अच्छा चलें अभी मैं इसको अनलॉक करता हूँ और उसको मैं ड्राइविंग मोड में लेके आता हूँ। अब ये देखें अनलॉक किया, अनलॉक होने के बाद ये देखें मैं ड्राइविंग मोड में लेके जा रहा हूँ इसको। अभी सस्पेंशन आपको सेंटर में जो नज़र आ रहे हैं डॉट्स ये जा रहे हैं, वो अभी लेवल हो रहे हैं, ड्राइविंग मोड में जा रहे हैं। और ये हो गया आपका ड्राइविंग मोड। ओके चलें ठीक है, अभी ठीक है मैं आपको इसके साथ और भी क्रेन के बारे में नॉलेज देता रहूँगा। क्रेन में आपने साइड में जब जाते हैं आप तो आपने कैसे काम करना है और उसके लिए आपके हज़र्ड क्या हैं, प्रिकॉशन कौन से यूज़ करने हैं आपने वहाँ पे, और कौन से हज़र्ड आप फेस कर सकते हैं उसके हिसाब से आपने प्रिकॉशन में वहाँ पे इस्तेमाल करने। और जो क्रेन ऑपरेटर होते हैं सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आपको 5 मिनट तक सोचना चाहिए, थिंक बिफोर एक्ट। आप सोचें उसके बाद आप काम करें, कोई भी एक्ट करते हैं। सेफ एक्टिविटीज़ के लिए मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, मैं उसको वन बाय वन आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे कुछ डिफरेंट क्रेनों के साथ। अल्लाह हाफिज़।